एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस फिल्म अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की घोषणा की है? ए सना खान, बी सारा अली खान, सी दीपिका पादुकोण या डी अमीषा पटेल। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर के पीरपैती में पिता पुत्र ने कराया नामांकन, चुनावी धर्म युद्ध में किसकी होगी विजय? भागलपुर में इस बार विधानसभा चुनाव में हर दिन अजीबो गरीब और दिलचस्प चीजें देखने को मिल रही है। चुनाव में हर पार्टी में एक और जहां बागियों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी के बजाय परिवार के लोगों से दो दो हाथ करने को उतारू हैं। इसी कड़ी में भागलपुर जिले के पीरपैती विधानसभा में मौजूदा विधायक और राजद के प्रत्याशी रामविलास पासवान के पिता उघाली पासवान ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन कराकर चुनावी मैदान में भूचाल ला दिया है। अगर राजद प्रत्याशी रामविलास पासवान की बात करें तो उनका मुकाबला अभी तक एनडीए के ललन पासवान से माना जा रहा था, लेकिन विधायक के पिता उघाली पासवान के चुनावी मैदान में आने से मुख्य रूप से रामविलास पासवान के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि कई बार विधायक के पिता उघाली पासवान ने अपने ही बेटे के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है, वहीं पिता ने अपने विधायक पुत्र रामविलास पासवान के साथ चौथी बार नामांकन किया है। इससे पहले दो बार विधायक के लिए जबकि एक बार मुखिया चुनाव में दोनों ने नामांकन का पर्चा एक साथ दाखिल किया था। महागठबंधन से राजद प्रत्याशी हमको बनाया गया है और जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस मरतब बदलाव खोज रहा है और तेजस्वी सरकार बनाना चाह रहे हैं जनता, इसलिए जनता भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक पूरे बिहार में लहर है तेजस्वी यादव का और पीरपैती में भी आप लोग भारी मतों से जाकर के जो है जिताने का काम कीजिए और के जब तेजस्वी जी के सरकार बनेंगे चमुखी विकास होगा और पीरपैती का विकास होगा। धन्यवाद। रिवाइज हो गया है, पूरी दुनिया ने देखा है, सीखा है और उसी को सीखते हमारे नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है। उसी आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया है और हम जब देख रहे हैं पिछले 20 वर्षों से पीरपैती की राजनीति को, पीरपैती की धरती को, तो पीरपैती में आत्मनिर्भर पीरपैती होने का तमाम संसाधन और संभावनाएं वहां पर पड़ी हुई है। हमारा तो मुख्य मुद्दा होगा कि पीरपैती को आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि हम लोग पीरपैती कहलगा भागलपुर में ही यहाँ के लोग हर तरह से स्कूल हो, अस्पताल हो, रोजगार हो, व्यापार हो, यही पर आत्मनिर्भर हो जाए और इससे बड़ी हम लगता है जो हमको सीख नहीं कर रही है, यही हमारा परम लक्ष्य है, इसी पर हम लोग काम करने को होता है। जीतने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता है कि विधायक का जो संवैधानिक पद है, विधायक अपने आप में अपने विधानसभा क्षेत्र का सरकार होता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है। जो हम नवगछिया, नामांकन के सातवें दिन 7 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 3 नवंबर को दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही नामांकन की प्रक्रिया में नामांकन के सातवें दिन 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। बेपुर विधानसभा से 2 प्रत्याशी एवं गोपालपुर विधानसभा से 5 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। सातवें दिन के हुए नामांकन में 153 गोपालपुर विधानसभा से जा प्रत्याशी सबाना आजमी, निर्दलीय प्रत्याशी रुचि सिंह, अमृतेश सिंह, वंचित समाज पार्टी से प्रेम शंकर सिंह, प्लूरल से डॉक्टर संध्या कुमारी ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं 152 बिहपुर विधानसभा से जहां प्रत्याशी अजमेरी खातून एवं बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद हैदर अली ने नामांकन दाखिल किया है। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम शंकर कुमार। कौन पार्टी से? वंचित समाज पार्टी। कौन विधानसभा? रतन मंडल जी का जो पार्टी है जी। कौन विधानसभा? डॉक्टर रतन मंडल गोपालपुर विधानसभा से। क्या नाम हुआ आपका? एक अच्छे इंसान की तरह, एक समाज सेवी की तरह
जिसमें हमारे बिहार की हमारे विधानसभा की शिक्षा स्तर और शिक्षा स्तर को सुधार सकूं और बेरोजगारी को समाप्त कर सकूं। के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी, हमारा मुद्दा रहेगा विकास का। हम क्या विकास कीजिएगा क्षेत्र में? हम अगर हमें पब्लिक इस तरह से अगर हमें जीता करके भेजेगी तो मैं बीपुर विधानसभा के लिए चिकित्सा हो और रोजगार हो, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए मैं आई। अच्छा, ये बताइए, बीपुर विधानसभा में बड़ी खाल कभी गए हैं आप क्या? जी गए हैं। गए, पिछला बार चुनाव में गए थे? मैं ऐसे भी जाते रहते हैं। और विस्थापितों के लिए क्या कीजिएगा चुनाव जीतने के? सर, आपने जैसे पहले केंद्रीय विद्यालय की चर्चा की और आप पूरा फ्लैश हो गए, फिर ये राजनीतिक टर्न, इसके बारे में बताएं सर। इसके बारे में कि जब मैंने घोषणा किया था, किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी जनप्रतिनिधि ने उसको सराहा नहीं, ना उसके बारे में कोई बात किया, ना उसको प्रोत्साहित करने के लिए कोई चर्चा में बिसाया, ऐसे लगा कि कोई मैं अजूबा चीज लेके आया हूँ। जबकि उल्टा मैंने जब क्षेत्र में घूम के देखा तो हर लोग बोल रहे थे केंद्रीय विद्यालय आ जाएगा, यहाँ तक भागलपुर से भी फोन आने लगा कि अमितेश जी भागलपुर शहर के लिए भी आप पहल कीजिए। तो यही प्रतीत हुआ कि लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है पुराने वाले धर्म में नगोछिया को रखना चाहते हैं, जो 30 साल से हम 40 साल से जो है ना, जितना राजनीतिक पार्टी है वो चर्चा कर रहा है कि ये खड़े हो रहे हैं वोट काटने के लिए। देखिए, वोट काटने के लिए नहीं खड़े हुए, हमारे पास आप मेरा कॉल रिकॉर्ड दे सकते हैं, बहुत सारी पार्टियों का ऑफर था और हम दिल्ली बम्बई जा सकते हैं, जब 4 करोड़ रुपया दान कर सकते हैं ना तो 1 करोड़ का टिकट भी ले सकते हैं, लेकिन उस धर्रा में हम जीवन नहीं जीना चाहते हैं। दूसरा बात है, वही लोग नवगछिया 53 लाइसेंसी हथियार लिया गया जमा। नवगछिया टाउन थाना में गुरुवार को थानाध्यक्ष अमर विश्वास की निगरानी में लाइसेंसी हथियार का जमा लिया गया। गुरुवार को कुल 36 लाइसेंसी हथियारों का जमा लिया गया है, इनमें से पूर्व 17 लाइसेंसी हथियार जमा लिए जा चुके थे। नवगछिया थानाध्यक्ष अमर विश्वास ने बताया कि अब तक कुल 53 लाइसेंसी हथियार जमा लिए गए हैं। विक्रमशिला पुल पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में मारा धक्का, शिक्षक की गई जान। नवगछिया के पर्वता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल के पोल संख्या 19 के पास हुए सड़क दुर्घटना में इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 पर्वत्ता निवासी लक्ष्मीपुर उच्च विद्यालय इस्माइलपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजेश कुमार जलज 44 वर्षीय की जान चली गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पर्वत्ता पुलिस ने शिक्षक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। वहीं दुर्घटना के संदर्भ में पुलिस ने बताया कि किसी अज्ञात वाहन द्वारा धक्का मार दिए जाने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के कारण शिक्षक की जान चली गई। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTEC, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप, नया टोला नौबतिया, 9534338689, 7856914231, 6206224713। नवगछिया 10 लीटर देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के मक्का तकिया चौक के पास से नवगछिया पुलिस ने 10 लीटर देसी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक नवादा जिले के पकरी बोरबा निवासी विकास कुमार है। नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने बताया कि मक्का तकिया चौक के पास वाहन जाँच के क्रम में युवक को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। नवगछिया एक गिरफ्तार। पर्वत्ता थाना क्षेत्र के गरैया निवासी अजीत कुमार मंडल उर्फ चूलो मंडल को पर्वत्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पर्वत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि अजीत शराब मामले में फरारी था। नवगछिया 20 लीटर देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार।
रंगरा के सिमरिया गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 20 लीटर देसी शराब के साथ सिमरिया निवासी दीप नारायण मंडल के पुत्र अभय कुमार मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सिमरिया गांव के अभय मंडल के दुकान पर छापेमारी की। पुलिस आने की भनक लगते ही अभय भागने लगा, लेकिन पुलिस बलों ने उसे मौके पर ही धर दबोचा। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज की गई है। खरीक के जमालदीपुर में दलित महिला के घर पर चढ़कर अपराधियों ने किया गोलीबारी। खरीक थाना क्षेत्र के जमालदीपुर में बेखौफ अपराधियों ने दलित महिला के घर पर चढ़कर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। इस संदर्भ में पीड़ित महिला खंतरा देवी पति उपेंद्र पासवान जमालपुर के बयान पर खरीक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। 1, 2, 3, come on! खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।